फ्रेंड मैं राशि, आज मैं बना रही हूँ सब्जियों का मिक्स अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों के मौसम में तो गाजर और मूली आ गई हैं फ्रेंड, तो उनका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जिसके लिए मैंने गाजर लिए हैं, ये देखिए 4 गाजर लिए हैं, 3 मूली ली हैं, कुछ हरी मिर्च ली हैं, अदरक लिया है और 2 नींबू लिए हैं। तो इनको सबसे पहले हम छील कर पतला पतला काट लेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमने सारे पीसेस कर लिए हैं सबके, ये देखिए लंबे लंबे मूली के भी, गाजर के भी और मिर्च के भी, और ये है अदरक। तो अब हम इसके भी स्लाइस काटेंगे। तो इस पे भी, इसको भी हम पतला पतला लंबा लंबा काटना है, इसको भी इसके लिए लंबे लंबे पीसेस कर लेंगे अदरक के भी, ये देखिए। तो फ्रेंड हमने ये स्लाइस कर ली है सारे अचार डालने के लिए सब्जियों के। क्या करना है, कुछ मसाले ये देखिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इनको हमें रोस्ट करना है। तो मैं थोड़ी सी अजवाइन ले रही हूँ, मेथी दाना ले रही हूँ, सौंफ ले रही हूँ, थोड़ा सा खड़ा धना ले रही हूँ, और ये पीली वाली सरसों है राई को ले रही हूँ, ये काली वाली सरसों है राई, जो राई बोलते हैं, और जीरा। तो इन सबको हमें अच्छे से सेकना है फ्रेंड, इसको जलने नहीं देना है, अच्छे से इसको ब्राउन होने तक, थोड़ा जो खुशबू आने लगेगी इसमें जिससे जाएगा मसाला, ये देखिए आने लगी इसमें अच्छे से खुशबू, ये झटपट से सिक जाता है फ्रेंड, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये घर का मसाला बनाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अचार हमारा। तो फ्रेंड हमारा अचार सिक गया है, अब हम इसको निकालेंगे, तो उसी गैस पे रख देंगे हम, और अब हम इसको सारे इनको सबको मिक्सर में पीस। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप हमारा सारा जो हमने मसाला लिया था ना, ये देखिए कितना अच्छा सा पिस गया है। इसको ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, दरदरा पीसना है। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। तो कढ़ाई को हमने गैस ऑन कर लेंगे, और कढ़ाई हमारी गर्म है पहले से। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, इसमें सरसों के तेल से ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप सरसों के तेल से ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और वैसे आप कोई भी तेल से बना सकते हैं। तो बस इस तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो रहा है, जब तक हम कुछ मसाले ले लेंगे, जैसे लाल मिर्च है, कश्मीरी हल्दी पाउडर है, काला नमक है और वाइट नमक है, तो ये सब हमें, और थोड़ी सी कंदमूल, इन सबको हमें इसी में डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सब्जी है ना हमारी, एंड तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम कुछ सब्जियां जो हमने काट के रखी है वो डाल देंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें हींग डालना है, हींग डालने के बाद हम इसमें गाजर डालेंगे, मूली डालेंगे, और ये जो मिर्च वगैरह है ये सब डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। तो फ्रेंड जब तक ये हमारा इसमें थोड़ा सा पक रहा है सारा, इसको थोड़ा सा पकाना है हमें, ज़्यादा भी नहीं, तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरा बॉईल लेंगे हम, और इसमें जो हमने पीसा हुआ है ना सारा मसाला, ये ले लेंगे। फ्रेंड ये हमने जो मसाला पीसा हुआ था वगैरह वो ले लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो इसमें कलौंजी डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, और लाल कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 से थोड़ा ज़्यादा चम्मच, और फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो हमें इनको मिलाना है, तो ये सब हमें अच्छे से मिलाना है फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मसाला जो तैयार हो गया है,
इसमें अचार में डालने के लिए। तो चलिए तो फ्रेंड ये देखिए हमारी गाजर सब मिक्स तो हो गई हैं और ये अच्छे से रोस्ट पक भी गई हैं थोड़ी थोड़ी। तो अब इसमें हम ये सारा मसाला ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिलाना है हमें। और गैस को हम थोड़ा सा ऑन रहने देंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि हमें ये ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये देखिए हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड। अब ये इसको एक बर्नी में भर दीजिए।